ओके गाइस, बहुत टाइम हो गया ऐसे बातचीत करे हुए। 3 महीने तो गुजर ही गए, और जिससे पहले हम नए साल की एंट्री मारे, उससे पहले मैं 22 को एक अप्रिसिएशन मोन्टाज देना चाहूँगा, क्योंकि शायद से वैसे वीडियोस अब हम तुम्हारा ना बनाए। ये क्लिप्स कहाँ से आई? ये तो मेरे किसी व्लॉग का पार्ट नहीं था। अब मेरे 60 रेगुलर व्यूअर्स में से जिन 20 लोगों ने वीडियोस मेरे बिना स्किप करे देखे हैं, उन लोगों को अच्छे से पता होगा कि लास्ट ईयर मैं एक शॉर्ट फिल्म में एक्टर बना था। अब इस एक्टिंग की कला को, इस क्राफ्ट को मैंने इतना एंजॉय करा कि मैंने बिना सोचे समझे ये डिसाइड कर लिया कि अगले 3 महीने जो इस साल के बचे हैं इसी में लगा डालूंगा। तो बस वहीं से शुरू होती है मेरी एक्टिंग की जर्नी। 3 महीने के कोर्स में एडमिशन लिया, नए दोस्त भी बनाए, क्राफ्ट के पीछे जो डीप मीनिंग है उसको समझने की कोशिश की, अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस तक की, और बस ये सब करते करते 3 महीने बीत गए कि पता ही नहीं चला। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने YouTube के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैं तो हर वक्त यही सोचता रहता था कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, किस बारे में बनाऊँ। पर वही है ना कि ओवर थिंकिंग की बीमारी तो हर क्रिएटर को होती है, और थिंक करते करते 3-4 महीने गुजर गए कि पता ही नहीं चला। आइडियाज़ तो बहुत आए दिमाग में, मैंने पेपर पे लिखे भी। ऐसा क्या था तब, मैं उसमें इतना ज़्यादा बिजी था, और मैं एज अ फ्रीलांस वीडियो एडिटर भी मेरा काम बहुत बढ़ गया था दिसंबर और जनवरी के महीने में, कि कोई ना कोई मेरे को बहाना मिल ही जाता था वीडियो ना बनाने का। तो गाइज, ये थी मेरी पिछले 3-4 महीने की छोटी सी समरी। आई होप आप लोग का भी 2022 बहुत बढ़िया गया होगा, और ये 3-4 महीने भी जो बीत गए इस साल के 2023 के, अगर नहीं भी गया होगा तो कोई बात नहीं गाइज, देयर्स ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है, मैं मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ जल्द ही। आई होप आप लोग का भी 2020 क्या